तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं सुनील एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल क्लैशिंग विद सुनील। तो प्लीज यार, अगर तुम पबजी लवर हो या फिर कोई भी गेमर हो यार, इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना यार। क्योंकि अगर तुम लोग समझ रहे हो कि मैं फिर से एक क्लिक बेट मार रहा हूं कि यार पबजी इंडिया में बैन हो भी नहीं रहा, बट मैंने तुम लोगों को थंबनेल में दिखाया कि पबजी बैन हो रहा है, पर मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि ये सचमुच होने वाला है एंड बहुत सारे चांसेस है। तो बेसिकली आज की वीडियो में तुम लोगों को सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि पबजी सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज में बैन हो चुका है, अपनी जो इंडिया है इसके अंदर कौन कौन सी जगह बैन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में भी बैन हो चुका है, एंड कुछ एक्सीडेंट्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या हादसे हुए हैं पबजी के कारण, एंड ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों बैन हो रहा है एंड अब अपने को क्या करना है। तो चलिए इस वाली वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। एंड साथ ही यार मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए यार ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो यार काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक पबजी के बारे में नहीं पता होगा, जो सीओसी लवर होंगे मोस्टली, जिनकी मोबाइल में या फिर पबजी नहीं चलता है। तो यार बेसिकली मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि पबजी एक मोबाइल एडिक्टिव गेम है, जो कि गेम ऑफ द ईयर 2018 रह चुका है एंड बहुत ही कमाल का गेम है, ट्रस्ट करो। एंड ये वाला जो गेम है ये इतना ज़्यादा एडिक्शन है कि आज का जो यूथ है वो बहुत सारा यूथ कह सकते हो तुम लोग, पूरे वर्ल्ड से, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड का यूथ पबजी की टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि यार कौन कौन सी कंट्रीज में बैन हुआ है। पूरी वीडियो देखना, मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि कब बैन हुआ, क्या क्या होने वाला है एंड इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। तो जो सबसे पहली कंट्री थी उसमें नेपाल में पबजी बैन होने की बात हुई थी, एंड उसके बाद बात हुई चाइना में। तो हम सभी को पता है कि चाइना ने रिसेंटली पबजी को बैन कर दिया गया है, मतलब अब आप चाइना में रह के पबजी को नहीं खेल सकते। अगर तुम लोग पबजी खेलते हुए पकड़े गए तो तुम एक इलीगल क्राइम कर रहे हो, मतलब वहाँ पे खेलना एक तरीके से तुम लोग कह सकते हो तुम लोग एक जुर्म कर रहे हो। एंड यार मुझे ये बात बिल्कुल गलत लगी, एंड एटलीस्ट पबजी को गेम नहीं बैन नहीं करना चाहिए था चाइना में। हो सकता है तुम लोग इसको लिमिट कर सकते थे, बट बैन करना बहुत ही गलत चीज़ है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये जो चाइना है इसने सारा कुछ बैन कर रखा है, मतलब इसने सबसे पहले फोर्टनाइट का लॉन्च बैन कर दिया, उसके बाद इसने पबजी को बैन कर दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ अपनी जो इंडिया है इसके अंदर बैन होने वाली है। अब अपनी जो इंडिया है बेसिकली इस अपनी जो कंट्री है इसके अंदर बहुत सारी जगह पे पबजी को बैन कर दिया गया, ऑलरेडी बैन कर दिया गया। मैं अब तुम लोगों को सारा प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो तुम लोग इस वीडियो पे बने रहना। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है VIT कॉलेज। हम सभी को पता है कि VIT एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि तमिलनाडु में है, एंड ट्रस्ट करो बहुत ही बड़ी कॉलेज है VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम लोग सभी को जानते होंगे। एंड ये जो कॉलेज है ये इंजीनियरिंग करवाती है, तुम सभी को पता होगा कि जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को पता होगा कि बहुत बड़ी कॉलेज है, एंड एटलीस्ट इंडिया से बहुत सारे बच्चे का ड्रीम होता है कि वो VIT कॉलेज में एडमिशन ले। एंड अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तो तुम लोग सबसे पहले एक पबजी के मीम से स्टार्ट होती है ये बात। तो तुम लोग पबजी के मीम में देख सकते हो, इसके अंदर तुम लोगों को क्लियरली लिखा हुआ दिखेगा कि VIT कॉलेज में एक, मतलब एक चाइना के कॉलेज, एक सॉरी तमिलनाडु का कॉलेज है, वहाँ पे पबजी को बैन कर दिया गया हॉस्टल में। तो जहाँ तक मतलब सारे लोग समझ रहे थे कि जो ये जो मीम है ये हो सकता है कोई फेक हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फेक होती है, तो काफ़ी लोग समझ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने इसके लिए गूगल पे गया, एंड तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि चाइना के वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का एक कॉलेज है, उसने पबजी को बैन कर दिया गया है। एंड रीज़न के तौर पे तुम लोग ये भी देख सकते हो कि इसको बैन क्यों किया गया है। जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, मतलब ये जो गेम है वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि स्टूडेंट सारे के सारे सारा दिन हॉस्टल का वाईफाई से इस गेम को खेलते रहते थे। तो कॉलेज के डायरेक्टर्स ने या फिर तुम लोग कह सकते हो कॉलेज के मैनेजमेंट स्टाफ ने ये डिसाइड किया कि इस गेम को एटलीस्ट कॉलेज कैंपस में बैन कर दिया जाए, क्योंकि यार वो लोग समझते हैं कि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका सोचना बिल्कुल सही है, एंड अगर यूथ पूरी तरीके से अट्रैक्टेड हो जाता है तो ये हमारी कंट्री के लिए भी सही नहीं रहेगा। तो इस कारण से जो VIT है वहाँ पे इसको बैन कर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और कॉलेजेस के बारे में। तो तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, एंड आज मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी पबजी के ऊपर, तो तुम लोग यार उसके कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, मेरी जो पिछली वाली वीडियो है तुम लोग उसको देखना, उसमें मैंने पबजी बैन के बारे में बात की है। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई हमारे कॉलेज में भी बैन कर दिया गया है पबजी को, मतलब हम लोग पबजी नहीं खेल पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, तो मैं तुम लोगों को जयपुर की न्यूज़ दे सकता हूँ। तो जयपुर के बहुत सारे कॉलेजेस में पबजी को बैन कर दिया गया है, एंड ओनली नॉट ओनली इन हॉस्टल्स बल्कि सब जगह बैन कर दिया गया है, मतलब आप कॉलेज कैंपस में जब तक हो तुम लोग पबजी को ओपन नहीं कर सकते। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ
तो हमारे कॉलेज में भी ऐसा रूल स्टार्ट हो चुका है कि तुम लोग अब पबजी नहीं खेल सकते। एंड बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे ऐसे भी हैं जो रूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनमें इस तरीके से भी कह दिया गया है स्टूडेंट्स को कि वहाँ पे फाइन चार्ज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं तुम लोगों को बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, अगर तुम लोग कॉलेज के कैंपस में पबजी खेलते हुए पकड़े जाते हो तो तुम्हारे ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। एंड इस तरीके से पबजी को देखो इंडिया में भी बहुत जगह बैन किया जा रहा है। एंड अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस कुछ इंसिडेंट्स कुछ एक्सीडेंट्स बताने वाला हूँ, कुछ हादसे बताने वाला हूँ जिसके कारण कि पबजी को इंडिया में बैन किया जा सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एक किस्सा सामने आया था कि यार एक जापान में एक बच्चा था, उसने अपने फ्रेंड को मार दिया। जी हाँ दोस्तों, मार दिया। अब मैं तुम लोगों को इसका रीज़न बताता हूँ कि उसने क्यों मारा था, मतलब तुम लोग इसको सुनोगे तो सही में तुम लोग बिल्कुल हैरान रह जाओगे। तो एक स्टूडेंट था जापान में जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठ के पबजी खेल रहा था, उसने अपने फ्रेंड को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको 6x स्कोप नहीं दिया। मुझे पता है कि यार तुम लोगों को ये सुन के बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी होता है। अगर तुम चाहो तो यार गूगल की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे तुमको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट करो यार, ये बिल्कुल सही बात है, उसने अपने दोस्त को सही में केवल एंड ओनली 6x स्कोप के कारण मार दिया था। क्योंकि यार हम सभी को पता है कि पबजी एक इतना ज़्यादा एडिक्टिव गेम हो चुका है कि जब कोई इसके खेलता है तो ये उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके दिमाग पे चढ़ जाता है कि वो अपने बारे में सोचता है, अपने गेम के बारे में सोचता है, ना ही किसी की परवाह करता। एंड सेकेंड न्यूज़ है अपने इंडिया से, तो इंडिया में एक लड़का था उसने अपने पेरेंट्स को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, मैं मारने की बात कर रहा हूँ, उसने अपने पेरेंट्स को खाने में जहर दे के मार डाला बस इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी उसको पबजी खेलने नहीं देती थी। मुझे पता है यार ये चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, एंड तुम लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात को कोई मार देता है, अपने पेरेंट्स को थोड़ी मारता है। बट यार हर जना अपनी तरह नहीं सोचता, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए गेम सब कुछ बन जाता है। तो यार तुम लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, मतलब ऐसी अगर तुम लोगों को कोई न्यूज़ पता है तो यार तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुमने अभी तक ऐसा कोई हादसा सुना है। क्योंकि यार मैं तुम लोगों को जो न्यूज़ बता रहा हूँ वो बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है। एंड ये जो दो एक्सीडेंट्स मैंने तुम लोगों को बताए ये बिल्कुल सही है। एंड यार तुम लोग अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो तुम लोगों को शायद पता होगा कि जो ऐसे जो हादसे हैं, अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो बहुत सारे मीम्स भी बने थे, बहुत सारे इस चीज़ यूट्यूबर्स पे इसने वीडियो भी बनाई थी कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मार डाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उसको पबजी खेलने नहीं देते थे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी कह सकता हूँ, बिल्कुल भी ये कह सकते हैं यार बिल्कुल भी गलत नहीं है, मतलब मारना बहुत ज़्यादा गलत है। एंड ये न्यूज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो तुम लोगों को पबजी थोड़ा सा लिमिट में रख खेलना चाहिए, एंड कभी भी इसको एडिक्शन मत बनाने दो यार, कभी भी। ये एक गेम है जिसमें तुम कैरेक्टर को चलाते हो, कभी भी इसको मैं कहना चाहूँगा कभी भी तुम लोग इसको अपने दिमाग पे हावी मत होने देना यार। बहुत सारी कंट्रीज़ में पबजी बैन हो रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, एंड अब अपने इंडिया का नंबर है यार। तो तुम लोग थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि यार मैं अगर पबजी का एक यूट्यूबर हूँ, मैं तुमको पबजी के अपडेट्स के बारे में बताता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम लोगों को पबजी की और भी डिटेल्स दूँ। एंड ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं पबजी को बैन किया क्यों जा रहा है। यार पबजी को बैन करने के पीछे दो कारण है। जो सबसे पहला कारण है वो है वायलेशन, मतलब वायलेशन, और तुम लोग कह सकते हो प्रमोशन टू टेररिज्म, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना। हम सभी को बताएं पबजी में 100 बंदों को गेम पे उतार देता है, एंड तुम लोग देख सकते हो पूरा गोलियों का गेम है, पूरे गेम में धाड़ धूड़ पूरे गेम में गोलियां चलाई जाती है। तो तुम लोग समझ सकते होंगे यार बहुत ही ज़्यादा ये मतलब ऑफेंसिव लगता है गवर्नमेंट को, इसलिए शायद चाइना में बैन कर दिया गया है। एंड जो दूसरी चीज़ है वो है करियर, मतलब यार गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो तुम लोग ने ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बैन कर दिया गया है जस्ट इसलिए कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, मतलब ये जो रीज़न है ये बिल्कुल वैलिड है, एंड इसी के कारण पबजी को बैन किया जा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे पबजी को बचाना है यार, मतलब अब तुम लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे बचाना है। तो हम सभी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट पबजी को केवल इसलिए बैन कर रही है क्योंकि मतलब हम कुछ ज़्यादा ही खेल रहे हैं। तो अपन लोगों को बस इतना सा करना है कि अपने को अपना जो गेम है वो पबजी को कुछ हद तक लिमिट करना है। यार पबजी बहुत ही प्यारा गेम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यार तुम अगर गेमर हो तो पबजी के बिना मैं तुम लोगों को गेमर नहीं कहूँगा यार, मतलब पबजी इतना ज़्यादा अच्छा गेम है कि आज का हर एक यूथ पबजी को खेल रहा है। तो तुम लोग मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत समझना, क्योंकि पबजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। एंड
मैं एटलीस्ट कभी भी नहीं चाहूंगा कि पबजी बैन हो, क्योंकि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स है, पबजी के पूरी यूट्यूबर की कम्युनिटी है। पबजी ने भी अपने लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, एंड हमें बस इतना सा करना है कि यार पबजी को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस नहीं देनी, मतलब अपनी लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो यार, जो तुम्हारी चारों ओर चीज़ें हो रही है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ना कि बस एक गेम को। मतलब गेम को केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलो, एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि यार पबजी बच जाए तो #SavePubg लिखना, कि अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो हम अपना सपोर्ट दिखा सके, कि यार बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि जियो अगर बैन कर देगा तो पूरा का पूरा पबजी बैन हो ही जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सारे के सारे ऑलमोस्ट जियो यूज़र्स हैं, बहुत सारे एयरटेल के होंगे, बट मोस्टली की बात कर रहा हूँ कि हम सभी जियो यूज़ कर रहे हैं। तो यार अगर तुम लोग चाहते हो कि पबजी इंडिया में बैन ना हो, तो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना सेव पबजी, एंड मैं भी कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ सेव पबजी। तो यार सभी के सभी, छोटा यूट्यूबर हो बड़ा यूट्यूबर हो, सेव पबजी ज़रूर लिखना। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, आई होप कि यार मैं तुम लोगों को पूरा अच्छे से समझा पाया हूँ कि पबजी बैन क्यों हो रहा है एंड कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस वाली वीडियो को हल्के में मत लेना, एंड आई होप कि यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर तुम पबजी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड डिसलाइक मत करना यार अगर तुम पबजी के फैन हो। अगर मेरे फैन हो तो कोई बात नहीं, अगर पबजी के फैन हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बेसिकली यही थी आज की वीडियो, आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यार ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो तुम्हारे सभी फ्रेंड्स तक पहुँचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को सेव करो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप क्लैशिंग विद सुनील।